आज हम बात करेंगे केबल इंडस्ट्री के बारे में और मैं इंट्रोड्यूस करूंगा मनु जी को जो बेलगाम से आए हैं और बेलगाम में 32 साल से केजीएन नेटवर्क के नाम से केबल चला रहे हैं और इंटरनेट भी सप्लाई कर रहे हैं। तो मनु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मनु जी ये बताइए कि आप इतने कितने साल से एक्चुअल केबल इंडस्ट्री में है? सर 30 साल से हूँ सर। पहला काम यही किया था आपने शुरू या इसके अलावा भी कोई काम कर रहे थे? नहीं, पहले दूसरा था सर मेरा बिजनेस। किस चीज का था? वो पान जो खाते ना उसका होलसेल करता था। तो केबल इंडस्ट्री में है, आज आपको 30 साल हो गए हैं, तो अभी तक आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? मतलब आपने कैसे शुरू किया केबल इंडस्ट्री, आज कितने कनेक्शन है आपके और आप इंटरनेट कब शुरू किया आपने उसमें? इंटरनेट सर 2 ईयर्स पहले स्टार्ट किया था। अच्छा, कितने कनेक्शन है अभी करंट में? कितने कनेक्शन है? 200 कनेक्शन है सर इंटरनेट के। इंटरनेट के। और केबल के कितने कनेक्शन है? केबल के 2500। 2500? 2500। एक आदमी से कितना पैसा लेते हो आप और कितने चैनल देते हो उसको आप? सर उसको 200 चैनल देते, 350 बिलिंग करते सर। 350 पर मंथ? तो और 350 रुपए में आप 200 चैनल देते हो? 200 चैनल। और उसमें कितना पैसा आपको बचता है क्या सर? 60-40 का। 60-40 में मतलब 40 आपका है? हाँ, 40 हमारा है, 60 कंपनी का। 40 में खर्चा आपका सर? हाँ सब, आगे की जो वर्कर्स जो भी है उनका, ऑफिस का। अच्छा, तो उसमें मतलब 10-15% 20% खर्चा भी है? हाँ 10% खर्चा है सर। 10-30% बचता है? 30% बचता है। केबल का जो इंडस्ट्री है उसके आपको नहीं लगता कि केबल की इंडस्ट्री में काफी उतार चढ़ाव है? नहीं, अभी तो बहुत हो गए सर, इसके पहले ठीक था, अभी तो 4-5 साल हो गए बहुत उतार आ गए। अच्छा, कितना फर्क आया? 80% धंधा है सर सिर्फ। 80%। और केबल में कहते हैं कि इंटरनल लॉस भी होता है? हाँ होता है। केबल में जैसे मतलब इंटरनल जैसे होता है, केबल होता है, क्या है वो? इंटरनल लॉस बोले तो ऐसा सर, केबल अगर हम लो क्वालिटी का डाल दिए तो लॉसेस ज्यादा रहता है, थोड़ा अच्छे क्वालिटी का डाल दिए तो लॉसेस कम रहता है। एक बंडल जो आज की डेट में दो तरह के आते थे, कॉपर का आता था, कॉपर का आता था, एल्युमिनियम का आता था। कितने का है बंडल? एक एल्युमिनियम का बंडल सर 600 रुपए में मिल जाता है और कॉपर का लेंगे तो वही 2500 में। और कितनी है उसकी लंबाई? 100 मीटर से रहती है सर। तो 100 मीटर करने के लिए आपका 2500 रुपए का केबल? 2500 रुपए का कॉपर में डालेंगे तो, अगर सादा डालेंगे एल्युमिनियम तो 600 में आ जाएगा। कॉपर में जो क्वालिटी रहती है सर ये सादी केबल में नहीं रहती। इंटरनेट को तो आप भी जैसे दे ही रहे हो, फाइबर से दे रहे हो? हाँ सर, ब्रॉडबैंड फाइबर हम दे रहे हैं कस्टमर को। तो ये फाइबर वाला कनेक्शन ब्रॉडबैंड है क्या? है ब्रॉडबैंड है सर। बेलगांव में पूरे उसमें दे रहे हो आप? नहीं सर, तो? अपना जो थोड़ा एरिया है वो एरिया में उतना ही देते हैं बस। तो आपको लगता है कि बेलगाम बहुत बड़ा एरिया है, तालुका भी काफी है, काफी मतलब अराउंड 1200-1250 तालुका है, तो इतने बड़े एरिया को कैसे कवर करेंगे पीओ मानी में? वो वाईफाई के थ्रू ये करेंगे सर। आप ही बता रहा, चार लड़के सर मेरे, सर के पास पूरी फौज है, यंग मैन पावर है। अपने लड़कों के नाम बताइए प्लीज आप। पहले वाले का नाम तो शाजिद है सर। अच्छा, क्या है? अच्छा, दूसरे का नाम शहबाज है। अच्छा, तीसरे का नाम अरबाज, चौथे का नाम सलमान। तो चारों लड़के हैं और सबसे बड़ी बात है कि एक लड़का केबल का काम कर रहा है, दूसरा लड़का जिम चला रहा है और तीसरा लड़का डॉक्टर है। तो आज सर के पास सारी वैरायटी है, मैंने जामूझ के इंट्रोड्यूस कराया इनको, इनके लड़कों से भी आपको मिलवाएंगे। और स्पेशली दिल्ली आए हैं और पूरी फैमिली को साथ लेके आए, दो बच्चों की शादी भी की, वाइफ भी साथ आई है। तो मतलब आप सबको लेके आए, तो आपको क्या विजन दिखाई दिया इसके अंदर, मतलब क्या आपको लगा ये आगे फ्यूचर में क्या है? फ्यूचर लगा इसके अंदर, इसलिए इनको सबको लेके आया। तो आपको लगता है कि ये जो 2500 कनेक्शन 10,000 कनेक्शन हो जाएंगे? हो जाएंगे सर इंशाल्लाह। मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि केबल वाले इस बात को समझ सकते हैं, क्योंकि केबल अगर जितने भी लोग इस चीज को देख रहे हैं, मतलब मैं इसलिए जानबूझ के इनको सामने लाना चाहता था। आपके टाइम में कितनी मेहनत की होगी केबल डालने सर? में बहुत बहुत मेहनत सर, बहुत मेहनत। कैसे चल रहा है मतलब, तो फिर भी बताइए ना, केबल को पंच करना, केबल को टांगना, चढ़ना, ऊपर चढ़ना सर, नीचे उतरना, बहुत बहुत मेहनत की सर। पुलिस वालों से झिकझिक, जो लोकल लोग हैं उससे जिग जिग, और 300-350 रुपए के लिए अगर किसी का एक बार भी कलेक्शन बंद हो जाए कितनी घंटी बचती है? आज तो 350 सर, पहले तो 50 रुपीज में हम देते थे, 90 के इसमें 50 रुपए में हम देते थे। चलो कम से कम रेट कुछ बढ़ा है 1990 में, पर खर्चा भी तो बढ़ गया 50। हाँ खर्चा बढ़ गया, वियर टीयर भी बहुत होती होगी, मतलब केबल चोरी हो जाती होगी, केबल में मतलब गर्मियों में कड़क जाती होगी। चोरी नहीं होती, चोरी क्यों नहीं होती बोल, हम रिलेशन लोगों के साथ अच्छा है,
तो लोग क्या करते हैं, रिलेशन अच्छा रहने से एक दूसरे के देखते रहते हैं सब। अच्छा, देखते रहते हैं और कोई भी कुछ भी अगर करने की कोशिश कर रहा है तो उसको बोलता है मत करो, ऐसा होता है। और हम सीधा रहे तो सामने वाला सीधा रहता है सर। नहीं, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे वहां पे आज की डेट में आप एक केबल से वाईफाई पे जा रहे हैं बिना वायर का वाईफाई, मैंने बोला है कि वाईफाई जो है अनुमान है बिना वायर का, तो आपको लगता है कि वाईफाई जो है केबल से कम 5-10 गुना ज्यादा बच जाएगा? है सर, इंटरनल लॉस भी नहीं होगा? है, लॉस केबल तो है नहीं, है केबल नहीं है, इंटरनल लॉस होता है? लॉस नहीं होता सर। और जो केबल की जिगजिग है कितनी भारी जिगजिग है? बंडल जब आपका खराब हो जाता है कितने का बिकता है? आपने लिया 2500 रुपए का, 2500 रुपए जब उसको आप खराब होने का बेचते हो कितने का बिकता है वो ही बंडल सेल? वो सर 60 रुपए किलो में बिकता है। 60 रुपए किलो में बंडल बिकता है, 2500 रुपए का बंडल जो खरीदते हैं 60 रुपए किलो के हिसाब से बेचते हैं। सोचो कितने बंडल आपने लगाए होंगे अब तक पिछले 32 का हिसाब नहीं सर, कोई हिसाब नहीं है। कितनी लागत होगी 3 साल में आज तक आपकी? ये क्वेश्चन मैंने हर केबल वाले से पूछा है, किसी केबल वाले ने आज तक अपनी लागत नहीं बता पाया। उसका रीजन है ये 100 रुपए कमाते हैं, 80 रुपए वापिस अपनी केबल में लगाए थे, 70-80 रुपए वापिस अपनी केबल में लगाए थे ये सोच के कि हमारी रेंज बढ़ेगी, हमारी लागत उस पर दोबारा लगाएंगे तो यूजर बढ़ेंगे, तो रिपीट बार बार लागत लगाते 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 खुद भूल गए 30 साल में कितनी लागत होगी, कितनी होगी नहीं समझ सकता। कभी सोचा आपने बैठ के हिसाब लगाया कितनी लागत हो चुकी है? अगर वो आदमी, अगर कोई भी केबल ऑपरेटर सुन रहा है तो उसका दिल जानता है कि इतने पैसे लगाने के बाद आज उसकी आरओआई अगर आप देखेंगे तो कुछ भी आरओआई नहीं है, कि उसका रीजन है अब तो क्योंकि वो पैसे कमाता रहा लगाता रहा तो इसलिए उसको दर्द नहीं है, वरना देखा जाए तो केबल वाले का दर्द मतलब जो हार्ट है वो लोहे का है। क्योंकि मैं मैक्सिम केबल ऑनर से मिला हूं, इसने हर उतार चढ़ाव देखा अपनी जिंदगी का। मैंने अंकल को बोला, मैं अंकल आप मतलब 30 साल अगर केबल वाले हैं तो आप ओल्ड मॉक रम की तरह, जैसे ओल्ड मॉक रम एक भी होती तो नाम दिया, तो अंकल को बड़ी हंसी आई। जो भी पीएम वाणी में एंटर करना चाह रहा है उसके लिए मैं एक सलाह दूंगा उसको, और इस सलाह को आप ये मान के चलना, ये सलाह याद रखिएगा, ये बहुत काम आने वाली सलाह है, कि अगर आप पीएम वाणी में सच में स्ट्रांगली आप अपनी एंट्री करना चाहते हैं और इमीडिएटली प्रॉफिट में आना चाहते हैं तो आपके साथ किसी भी केबल वाले का साथ अगर है और केबल वाले को साथ में पार्टनर बना के आप काम कर रहे हैं तो आपके 30 साल बच सकते हैं, 30 साल बच जाएंगे। 30 साल जो आपका पूरा टमाटो प्यूरी है जिसको आप पाउच खोलो और डालो। एक एक घर का बच्चे का नाम पता होगा, कब आपके सामने बड़ा हुआ होगा? लिस्ट है सर पूरी, मतलब पुलिस वाले के पास वो डाटा नहीं मिलेगा जो केबल वाले के पास मिलेगा। एक एक घर में कितनी लड़की, कितना आदमी, कितना बड़ा बूढ़ा बच्चा, जो इन्फॉर्मेशन इनके पास मिलेगी वो किसी के पास मिलेगी, और आपके देखते देखते कितना चेंज आया है 30 साल, बहुत चेंज है सर। तो अगर आप चाहते हैं इस टाइप की टमाटो प्यूरी तो इनको साथ जोड़िए, केबल वाले और ISP वालों को साथ जोड़ के चलिए। अगर केबल वाला आपके साथ है तो आपका बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल होने वाला है, आप अपनी एनर्जी बेस्ड कंज्यूमर आपको रेडीमेड मिलेंगे, एक्सपीरियंस रेडीमेड मिलेगा आपको, और एक्सपीरियंस की क्या कॉस्ट है उसकी कोई कॉस्ट नहीं होती। अच्छा, आपके पास कुछ आदमी आए और वो कहे कि जी पीएम वाणी में मुझे जोड़ के काम कर लो, तो क्या आप उसे जोड़ेंगे? कोई बराबर आगे बैठ जाए तो पीएम वाणी का उसने लाइसेंस लिया, उसकी मुकद्दर है सर। ये सोच है, आप बेलगांव में जहां पे भी हैं, आप अगर बेलगांव के आसपास किसी भी एरिया में, मैं कहता हूँ 1250 गांव है, अगर कहीं पे भी आप पीएम वाणी का नेटवर्क खड़ा करना चाहते हैं आप इनके साथ जुड़ के काम कर सकते हैं। बेलगांव के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अच्छी फैमिली, अच्छी मैन पावर सेटअप, पूरा ऑफिस, एक ऐसा एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है जिससे कि आपका जो फियर है कि मैं सक्सेस हूंगा या नहीं हूंगा, आप कर्नाटका में किसी भी एरिया में हो आप जरूर जाके एक दिन बिताइए, वहां इनके साथ रहिए, वहां देख के आइए कि इनका पूरा सेटअप कैसा है, इनकी पूरी फैमिली से मिलिए और आगे के प्लानिंग करिए। और पार्टनरशिप कहते हैं ना, आज मैं रोज हारेगा हम रोज जीतेगा, कोलैबोरेशंस जीतती हैं, जो क्रिएट करने की सोच रहा है वो हार रहा है और जो कोलैबोरेट करने की सोच रहा है वो जीत रहा है। अंकल ये बताइए कि अभी फिलहाल जाते ही पहला काम क्या करना है आपने? जाते सर ये पीएम वाले लगाना है। अच्छा, और बिजनेस को स्टार्ट करना है। अच्छा, पूरी रेडी, पूरी तैयारी में? तैयारी में सर, 1-2 महीने से आपका वीडियो देख रहा हूँ। 2 महीने से देख रहे हैं? हाँ, पूरा ये है मेरे पास। किसने बताया आपको ये? आप तो मतलब कहाँ से? मतलब यूट्यूब में देखा था सर मैं, तो यूट्यूब पूरा देखते रहते हैं। और भी को देखा यूट्यूब में? यूट्यूब में देखा सर, दूसरा भी तुम्हारे वीडियो बहुत से देखा, सारे देख ली, तो पूरा मतलब मन बना के आया था। तो देखिए शादी पक्की है, मैं चाहूंगा कि आप दोबारा आए और एक सक्सेसफुल वाईफाई ऑपरेटर बन के आए। ठीक है सर। और एक ऐसा ऑपरेटर जो मतलब मैं एक चाहता हूँ केबल ऑपरेटर से वाईफाई ऑपरेटर और मीडिया ऑपरेटर,
मीडिया ऑपरेटर मतलब आज जो लोग नहीं समझ पा रहे, जो मैं बार बार समझाना चाह रहा हूँ, रिचार्ज से ज्यादा इनकम एड रेवेन्यू में है जिसपे लोग फोकस नहीं कर रहे हैं। तो मनु जी आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं चाहूंगा कि आप आते रहे, मिलते रहे और जुड़ते रहे और आगे काम करते रहे। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।